फिर मना क्यों कर रही है मुझे उसे बात करने से? मैं बात करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ थोड़ा टाइम दे दो। कितना टाइम दूँ? हाँ अरे वो कोशिश कर तो रहे। यार मुश्ताक भाई क्या हो गया, अम्मी ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि भाई मेरे अम्मी नहीं चाहती कि एक ही घर से दो दो बहुएं आएं, और अब तो तीन तीन आ रही हैं क्योंकि उन्हीं की छोटी बहन को तू पसंद कर बैठा है। आइए प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। नाइस हाउस। कहाँ नाइस यार, छोटा सा तो घर है मेरा। छोटा है बट रियली नाइस। थैंक यू। ओह बाय द वे तुम्हारी बहनों की बात पक्की हुई है पता चला, तो उसी की मुबारकबाद देने आई थी। ये यार थैंक यू, लेकिन इतने तकल्लुक की क्या जरूरत थी? अरे यार तकल्लुक कैसा, वी आर फ्रेंड्स नाउ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चाय या कॉफी का नहीं पूछोगे? सो सॉरी यार मैं भूल गई, चलो अंदर चलते मैं तुम्हें चाय बना के पिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठी रहो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर भी पहली दफा मेरे घर आई हो, कुछ तो लो। अरे नहीं कुछ भी नहीं। खैर तुम बताओ, मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? हाँ वो एक्चुअली मुझे कहीं जाना था। ऑफिस? नहीं नहीं एक फ्रेंड के साथ थोड़ा काम से जाना। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मेरी वजह से अपना प्लान ड्रॉप ना करो। I'm so sorry यार, I feel so bad, लेकिन क्या करो मजबूरी है। कोई बात नहीं यार। अच्छा यार श्योर। हेलो 5 मिनट दो मैं आ रही हूँ ठीक है? ओके मेरा फ्रेंड भी आ गया है पिक करने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलती हूँ। हाँ बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं ये अंदर रख के फिर मैं आ जाऊँगी। श्योर। बहन बस मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, पूरा माल घूम लिया अब तो। मेरी भी घुटने जवाब दे गए, अब मुझसे भी नहीं चला जाता भाई। क्या हो गया अम्मा, अभी तो इतना कुछ देखना रह गया पता है। अरे भैया तुम और तुम्हारी अम्मा घूमो, मेरा कोटा तो पूरा हो। अम्मी जान ऐसे कैसे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। क्या मतलब कैसे जाने देंगे फिर? अरे ऊपर फूड कोर्ट है, इतनी मजे मजे की चीजें मिलती हैं, दही फुल्कियां, दही बड़े, चना चाट, पानी पूरी, बहुत मजे के। अच्छा ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये टाइम तो इन चीजों के खाने का नहीं है, अब तो रात के खाने का वक्त हो गया है। खाना भी बड़े मजे का मिलता है। हैं क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मजेदार। लेकिन एक बात है भाई, मैं वो जिस बटुए में पैसे होते हैं ना वो मैं घर छोड़ आई हूँ, अब मुझे यहाँ क्या खरीदारी करनी थी इसलिए मैं पैसे उठा के नहीं लाई। अरे तो कोई बात नहीं, आज आप हमारे मेहमान बन गए, चले हमारे साथ। अच्छा नहीं लगता। अरे चलो ना, चल बेटा चले, अब इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं तो चले। टिक्का मिलता है? हाँ मिलता है मिलता है, चलो टिक्का खाएंगे। भाया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस नहीं चल रहा कि जमीन फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं। तुम क्यों शर्मिंदा, तुमने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भाई ने किया वो ही बहुत है मेरे लिए शर्मिंदा होने के लिए। देखो अगर तुम्हारे भाई का कसूर है तो मेरी बहन का भी तो कसूर है ना। भाया मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इस मामले की वजह से बाकी रिश्तों में कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे टेंशन ही ये है कि कहीं उनके मसले की वजह से दिलशाद आपा के रिश्ते की बात खराब ना हो जाए। देखो भाया मेरी अम्मी बहुत डोमिनेटिंग, घर में सिर्फ उन्हीं की चलती है, उनके सामने मैं भी कुछ नहीं कह सकता। गुस्सा तो वो जरूर करेंगे लेकिन मैं उन्हें संभाल लूंगा। तो फिर हम सबको ये बात बता दें? नहीं नहीं अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर कब? निकाह वाले दिन। मैं निकाह खां को बता दूंगा कि इन दोनों का निकाह पहले से हुआ। देखो कामरान कोई मसला ना हो जाए। क्यों कोई मसला हो? इस वक्त तो वैसे ही इतने सारे लोग होंगे घर में, और छोटी सी भी गलती हो गई ना तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हाँ तुम घबरा क्यों रही हो, उन्होंने निकाह किया कुछ गलत तो नहीं किया, और कानूनी तौर पे वो मियां बीवी हैं। चलो ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे, मैं और दिलशाद आपा बस ये चाहते हैं कि ये बात तुम्हारे इल्म में रहे बस। हया तुम बिल्कुल फिक्र मत करो,
और आपा को भी समझा देना परेशान होने की कोई बात नहीं, बल्कि अब वो मेरी भाभी होने वाली। हया तुम्हें भूख लगी है, कुछ खा ले। नहीं नहीं टेंशन में भूख कहाँ लगती है। हाँ फायजा कैसी हो। मैं ठीक हूँ, अभी हया के घर से आ रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तो कैसी रही मुलाकात। कुछ खास नहीं, वो जरा जल्दी में थी। क्यों, उसको कहीं जाना था। अच्छा ये बताओ तुम किसी कामरान को जानते हो, हया का दोस्त है वो। हाँ जानता हूँ। वो उसी के साथ गई थी गाड़ी में, कौन है वो लड़का। यार उसका दोस्त है। सिर्फ उसका, तुम्हारा नहीं। मेरा क्यों होगा। नहीं मैं समझी, म्यूचुअल फ्रेंड होगा। नहीं उसके स्कूल का दोस्त है। हाँ जब भी काफी क्लोज लग रहे थे दोनों। चलो ठीक है, तुम बिजी होगे घर आके बात करना। ओके अच्छा लगा, तो कुछ खा पी लेते हैं ना थोड़ा सा। अम्मी जान वहाँ 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 कोने में चल के बैठते हैं। अरे भाई इतना छुप के बैठने की क्या जरूरत है, हम चूहे हैं क्या। नहीं नहीं ऐसी की हवा आती है, बहुत अच्छी ठंडी लगता है। तुम बाकायदगी से आती हो यहाँ। अनु नहीं कभी कभार। अच्छा चलो चलो चलो। अरे ये तो अपने घर के बच्चे। अरे हाँ ये तो हमारी गुड़िया है। अजीब इत्तेफाक है, और साथ तो कामरान है। छापा मार। चल चल आप लोग यहाँ पे। हाँ क्यों, तुम लोग आ सकते हो तो हम नहीं आ सकते क्या। बिल्कुल ठीक कह रही है, भाई हम भी आ सकते हैं। नहीं मेरा मतलब है इस तरह अचानक कैसे आ गए। भाई मैं तो आई थी अपने काम से, तुम्हारी अम्मा और बहन मिल गई, इन्होंने कहा चलें यहाँ कुछ खा पी लेते। तो तुम लोग यहाँ कैसे। वो एक्चुअली अम्मा हम लोग शादी की बात करने आए थे। शादी की बात मतलब शादी की प्लानिंग की बात। ओ अच्छा अच्छा, आए हम लोग मिलकर वहां बैठे। हाँ सही, चल आ जाए। मैं तो यहाँ पे चना चाट और पानी पूरी खाने आई थी। भाई मैं तो नहीं आ रही थी, बस इसने बहुत जिद की कि आंटी ऐसे नहीं जाने दूंगी आप। नहीं 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 मैंने अम्मी जान कहा था। हाँ भाई वही। अच्छा तो क्या तय पाया। किस चीज का। इस चीज का क्या भाई, जिसके लिए तुम यहाँ मिलने आए हो, वो शादी का जो सारा सिलसिला कर रहे हो क्या। हाँ वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग कुछ ऑर्डर करें ना खाने के लिए, यहाँ खाना आने में बहुत टाइम लगता है। मैं तो ना पानी पूरी खाऊंगी, मैं चना चाट खाऊंगी। अब हाँ बस मैं भी। नहीं नहीं ये तो नहीं, मैं कुछ खा लूंगी। कुछ टिक्का मिलता है, टिक्का। हारिस बहुत नरम दिल इंसान है, मैंने उसे सॉरी किया और उसने मुझे फौरन माफ कर दिया। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो ऐसा ही है और उसकी इसी आदत का हया ने फायदा उठाया है। हया से याद आया, मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। मैं आज हया के घर गई थी। यार कामी क्या तो है बात करने। अब अल्लाह मियां बचा लेना। भाई ओ कौन सा जंतर मंतर पड़ा है तू मुंह मुंह में है। नहीं भाईजान कुछ भी तो नहीं। ओ भाई काम पर तवज्जो दे, शादी के दौरान वैसे भी दुकान एक हफ्ते के लिए बंद रहेगी। एक हफ्ते के लिए क्यों भाईजान,
ओ भाई शादी के दौरान कौन काम करता है? और वैसे भी हनीमून का प्रोग्राम बन गया तो 10-15 दिन तो लग सकते हैं ना यार। भाईजान मेरी माने ना तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग ना करें। अब शादी के बाद पता नहीं घर में क्या माहौल होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अबे घर का माहौल जैसा भी हो भाई, हमें तो अपनी प्लानिंग पूरी रखनी है ना। और बात सुन, इन दिनों में थोड़ा काम कर लेगा ना तो 4 पैसे आ जाएंगे और फिर अय्याशी करेंगे भाई। उन बीवियों पर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। भाईजान आपकी भाभी से कोई बात तो नहीं हुई ना? हुई थी भाई। क्या? हाँ यार, बताने के लिए फोन किया था कि मुझे रिश्ता ये मंजूर है, लेकिन उसने कोई बात ही नहीं की और फोन रख दिया। क्या मतलब भाईजान? अरे मतलब क्या यार, बंदा फोन करता है तो 2-4 बंदा आदमी बातें कर लेता है, हाल वाल पूछता है, कैसे हैं, क्या पहना हुआ है, कब आएंगे, शादी की क्या तैयारी है। एक लफ्ज भी नहीं बोला, बस यार पटा दिया। हाँ तो भाईजान ये तो अच्छी बात है ना, ये तो माशाल्लाह से भाभी के समझदार होने की निशानी है। इसमें कौन सी समझदारी आ गई भाई? अरे भाईजान आजकल की लड़कियों का मालूम है ना आपको, बोलना शुरू होती है तो चुप ही नहीं करती। अब देखें अगर वो ज्यादा बात नहीं करती तो ये तो अच्छी बात है ना। अभी आप लोगों की शादी भी नहीं हुई तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता भाईजान। हाँ यार ये तेरी बात दिल को लगती है भाई। अरे भाईजान बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने जो भी फैसला किया ना हमारे लिए बिल्कुल 100% दुरुस्त किया, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है। जल्दी से शादी हो ना, फिर पोप ही पोप चले। बस हो ही ना जाए पोप। हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई? अगर हमारा पोप हो जाएगा तो तुम्हें कोई मसला इससे? नहीं नहीं भाईजान, मुझे क्यों मसला हो सकता है मेरा पोप ना हो जाए, बस मुझे इस बात की फिक्र है। तेरा तो हो चुका पोप बच्चे। अच्छा बेटा अब हमें इजाजत है। ऐसे कैसे आंटी, आए बैठे गाड़ी में, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं कामरान हम चले जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने कब कहा कोई मसला है, आओ बैठो गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा। अरे बेटा ठीक तो कह रही है, हम चले जाएंगे। आंटी बेटा भी कह रही है और बात भी नहीं मान रही। अब मैं फिर तो चलो ना बैठ जाते हैं ना। ओह नो, मैं तो शीशे वाली जगह पे बैठूंगी, मैं वहां से आ जाऊं। तो मेरी स्पेशल मेहमान है, प्लीज बैठे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था आंटी, हारिस बहुत नरम दिल इंसान है। मैंने उसे सॉरी किया और उसने मुझे फौरन माफ कर दिया। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो ऐसा ही है और उसकी इसी आदत का हया ने फायदा उठाया है। हया से याद आया, मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। मैं आज हया के घर गई थी। क्यों गई थी तुम वहाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? जरूरत तो थी आंटी, उसकी बहनों की बात पक्की हुई है तो बस मुबारकबाद देने गई थी। फायजा तुमने हया को हारिस के दिमाग से निकालना है और उल्टा तुम वहाँ चली गई मुबारकबाद देने के लिए। आंटी समझा करें, 4 कदम आगे की चाल चलने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। आंटी हया को रास्ते से हटाने के लिए हया से रابطہ रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपना दोस्त समझती हूँ। चलो ठीक है, जो भी करना हो बहुत समझदारी के साथ करना है, ओके? आप बेफिक्र हो जाएं आंटी। और मुझे ये बताएं कि आप कब तक पाकिस्तान वापस आ रही हैं? आरिफ को तो ऑलमोस्ट मंथ लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फौरन पाकिस्तान आ जाना चाहिए। अगले हफ्ते हया की बहनों की शादी है, मेरे ख्याल से आपको उसके बाद ही आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हारिस तो वहाँ मसरूफ होगा और मुझे हारिस के साथ साथ हया से मिलने का मौका मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ तुमसे, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे हारिस को ये शक हो कि तुम किसी मकसद से यहाँ रह रही हो। अरे आंटी आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। अरे फायजा मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। क्या आंटी बताएं? तुम्हारे पास एक बहुत गोल्डन चांस है। वो क्या? फिर क्या हुआ अम्मी जान? अरे होना क्या था, कमबख्त कामी ने वो जो हया की अम्मा है ना
उसको अगली सीट पे बिठा दिया और मुझे पिछली हया के साथ, जैसे वो उसकी माँ लगती हो। तो मीजान हो सकता है वो उन्हें इज्जत देना चाह रहा हो। ये कैसी इज्जत दे रहा है भाई, अपनी माँ मर गई थी जो लोगों की माँ को इज्जत दे रहा है। भाईजान, ना तो आगे बैठने से किसी की इज्जत बढ़ती है और ना ही पीछे बैठने से घटती है। दुनिया में ऐसा कोई उसूल नहीं भाई। दुनिया में ये उसूल नहीं है तो ना हो भाई, हमारे यहाँ तो यही उसूल है, जो आगे बैठेगा वही सबसे ज्यादा इज्जतदार होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। अरे मेरा तो खून खोल रहा है कामी की सरकत पे। अच्छा मीजान, बस ना अपना गुस्सा ठंडा करें आप। अच्छा खैर ये बताएं, बात क्या हुई? क्या खास बात हुई? वो शेरबानो एक नंबर की बावली। मतलब कि शरीफ ना? कहां की शरीफ, बुद्धू। क्यों मीजान, ऐसा क्या कह दिया उसने? इसकी तफसील तो बाद में बताऊंगी भाई, मैं ऐसी बुद्धू लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। बस बिल्कुल सही कहा मीजान आपने। मीजान, कामी वहां पे क्या कर रहा था? कामी वो उस मनहूस हया के चक्रों में वहां मॉल पे आया था, दोनों साथ घूम रहे थे, हमने पकड़ लिया उनको, एकदम बात बना ली, हम तो शादी की बात कर रहे हैं। तो मीजान हो सकता है सच कह रहे हो? तू चुप कर चंचे, हम भी कोई मुंह का निवाला नाक में नहीं ठूसते, ये इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बजा फरमाया मीजान आपने, तो क्या कामी की शादी भी वहीं पे होगी मीजान? अरे मुझे क्या पता, कमबख्त मेरे सबसे अच्छे वाले बेटे को ना अपनी जुल्फों का असीर बना लिया है, बेड़ा घर को इसका। आमीन अम्मीजान आमीन। अम्मीजान तो हम भी काम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। यार अम्मी अभी तक यही चाहती हैं कि मेरी शेरबानो से शादी ना हो और किसी तरह रिश्ता खत्म हो जाए। क्या? जी हाँ, बल्कि अम्मी को तो इस बात पे भी एतराज है कि तू उसकी छोटी बहन को पसंद करता है। हया को ये सब दिखाने का एक ही तरीका है, फेसबुक। अभी अपलोड कर देती हूँ। अच्छा सा कैप्शन भी लिखती हूँ और हारिस को भी टैग कर देती हूँ।